सो आज हमें बैक्टीरिया करना है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल किनके अंदर प्रेजेंट होता है? ओनली एंड ओनली एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। एल्गी भी तीन टाइप्स के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता है। डायामीटर, बैक्टीरिया का डायामीटर है 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ है 3 to 14 माइक्रोमीटर। नाउ फिफ्थ वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है? जब उसका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जब उसको लगता है कि हाँ जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है वो ठीक है, तभी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और कैसे करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर वो सेल डिवीजन करता है, अपने सेल को डिवाइड करता है। सेल को डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होता है। सो ग्रो होता है, उसके बाद सेल डिवाइड हुआ, फिर ग्रो हुआ वन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स। सिक्स पॉइंट है प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, इंटरनल, एक्सटर्नल, बॉडी पार्ट, प्लांट, एनिमल, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सेवेंथ पॉइंट जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल, मेनी ऑफ देम आर यूजफुल ऑल्सो। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ कुछ यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि दोज विच इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। इन यूजफुल बैक्टीरियाज के बारे में बता रखा है, जो कि वो बैक्टीरियाज जो कर्ड, चीज़, वाइन, विटामिन इन द बॉडी, प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक, ये सारे काम करते हैं। कर्ड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, वाइन इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में, बिवरेजेस में, विटामिन इन दी बॉडी बनाते हैं, प्रिपेयर एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने में हेल्पफुल है बैक्टीरियाज। साथ में प्लांट के लिए भी यूजफुल है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं प्लांट में और प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं। तो इससे क्या होता है? नाइट्रोजन मिला, प्लांट की ग्रोथ हुई। सो नाउ हम क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरियाज का। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज, कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई का मतलब क्या होता है? वो रॉड शेप, वो क्या होते हैं? स्मॉल गोल सी शेप के होते हैं, गोल सी शेप के होते हैं, सर्कल शेप के होते हैं। कोकाई बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि जितने भी स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया कोकाई बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। सेकेंड वन उसकी शेप होती है बेसिलस, बेसिलस यानी कि रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप। थर्ड वन इज विब्रियो, विब्रियो जो कि होते हैं कॉमा शेप्ड। विब्रियो इज कॉमा शेप बैक्टीरियाज। नाउ फोर्थ वन इज स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज। विब्रियो ऐसे कॉमा शेप्ड ही होते हैं, ऐसे रॉड शेप्ड, रॉड की शेप ही होते हैं, ऐसे स्पाइरल की शेप के होते हैं ऐसे। फिफ्थ वन इज माइकोप्लाज्मा। इन बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। सिक्स्थ वन इज एक्टिनोमाइट्स, ये भी होते हैं बैक्टीरिया। पर ये जो चार शेप्स हैं क्लास बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्टिनोमाइट्स ये जो होते हैं वो ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज, ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरियाज। ये कैसे दिखते हैं? रेज ऑफ सन की तरह, सन की जो सूर्य की किरण होती है, ऐसे इनके ऊपर फिलामेंट्स होते हैं। सो ये एक्टिनोमाइट्स, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है और ये कोकाई शेप के होते हैं, ऐसे गोल 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 सर्कल ओवल टाइप के होते हैं। कोकाई जो होता है वो ओवल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। बैसिलस रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, लाइक दैट। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप के, स्पिरुला जो होता है वो स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। नाउ इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया,
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हमारे सिलेबस के अंदर है। अभी तक जितना पता है वो सिलेबस के अंदर है, फालतू नहीं पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया जो है कैसा दिखता है। सबसे पहले बैक्टीरिया के बाहर में उसकी एक कैप्सूल होती है, एक कैप्सूल होती है लाइक डैट। ये हमारी हुई बैक्टीरिया की कैप्सूल। कैप्सूल ये क्या करती है, रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट होती है सीवियर या हार्श कंडीशंस के अंदर। हार्श कंडीशन के अंदर, कंडीशन कितनी भी ख़राब से ख़राब कंडीशन आती है, पर यह बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी कि कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्शन का, इसके साइटोप्लाज्म को, उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्शन का काम इसका होता है। ना उस कैप्सूल जो होता है उसके अंदर आता है फिर हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, ये रही हमारी सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है इनक्लोज है कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर प्रिजर्व हो रखी है। सेल वॉल के बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म अंदर में। साइटोप्लाज्म से ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म के ही एक्सटेंशंस होते हैं। ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर फ्लूइड, बहुत सारे हमारे कुछ कुछ बॉडीज भी प्रेजेंट है। जैसे मैं बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर होता है एक माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स ये हमारा एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऐसे माइक्रोसोम्स। ये हुए हमारे माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। ये रे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है ऐसे। इंक्लूजन ये आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए एग्ज़ाम में, इंक्लूजन बॉडीज़। और आपको ना जो नाम, जितने भी नाम है, जैसे सेल वॉल लिखा है, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज़, वो आप राइट साइड में लिखिए ऐसे स्केल से लाइनिंग करके, ताकि सुंदर लगे आपका डायग्राम। इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है, पर न्यूक्लियोइड एक ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड होता है, तब ये साइटोप्लाज्म के साथ साथ हमारा इसके अंदर जो न्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो भी डिवाइड होता है। नाउ इसके अंदर फ्लैजिला, किन्हीं बैक्टीरिया इसके अंदर क्या होता है कि फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। और वो फ्लैजिला जो होता है वो हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म से अराइज होते हैं, साइटोप्लाज्म से अराइज होते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, माइक्रोसोम्स को हटा देती हूँ। यहाँ से सेल के अंदर से प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लोकोमोशन में प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन, चलने में हेल्प करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प करते हैं फ्लैजिला। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ बैक्टीरिया का। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारा आता है कैप्सूल, उसके बाद हमारा आता है सेल वॉल, उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन मेम्ब्रेन किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन ही होती है। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक मीजोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और फ्लैजिला भी होते हैं किन्हीं किन्हीं बैक्टीरियाज के अंदर। सो ये हुआ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।